गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर्स, राइस एंड साइन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। इस वक्त मैं अभी लेकाबाली जा रहा हूँ और वहाँ पे एक ऐसे जगह है स्पेशली हिंदू लोगों के लिए, जितना भी हिंदू डिवोटीज है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह है और आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और वो जगह का नाम है आकाशी गंगा और कहते हैं वहाँ पे रुक्मणी जी वहाँ पे नहाया था। और मुझे भी उतना पता नहीं इसके बारे में, तो इसीलिए वही चीज़ को थोड़ा देखने जा रहा हूँ। और हाँ, वहाँ पे एक बाबा भी रहता है, तो वो बाबा से पूछूँगा कि बाबा जी इस जगह में क्या क्या हुआ था, वो सारे चीज़ें बता देंगे। तो फिलहाल मैं अभी निकलूँगा, अभी के लिए मैं असम पे हूँ और यहाँ से उतना दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाला है। तो चलिए हाँ चलते हैं और बाबा से भी कुछ जानकारी हासिल करते, ठीक है? चलिए। नीचे बहुत मजा है। बाद में उस जगह का क्या, फिर उस जगह का नाम? नाम ये नदी का नाम आकाशदीप, आकाशी गंगा। आकाशी गंगा जहाँ में ऐसा ना, आकाशी गंगा जहाँ में रुक्मणी यहाँ पे नहाया था। तो जगह जगह में आपको ऐसे बना के रख दिया है जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाला है आकाशदीप, आकाशदीप नहीं आकाशी, आकाशी गंगा। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया है और इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे जिससे मैं पूछ सकूँ, जितना भी मंदिर है उसके बारे में। तो ये है मंदिर, आकाशी गंगा शिव मंदिर। ओके, रहता है यहाँ पे बाबा जी, रहते हैं अकेला इस नदी के किनारे में। बाबा जी इनके इसका जगह का बारे में थोड़ा बता रहे ना कुछ ना, क्योंकि हम लोग, हमको भी पता नहीं है। तो ये बाबा जी इस जगह का बारे में बताएगा अभी। और ये बाबा जी सिर्फ अकेला यहाँ पे बैठता है, बाप रे, सकते हैं ना। तो बाबा जी अभी अपना कुर्सी लेके आ गया है और है, आप पहले माँ गंगे को देख लीजिए। आइए इधर आइए। किस तरफ आइए? हम यहाँ आइए। हाँ, वो जंगल के अंदर देखिए, उधर वो जंगल। अच्छा अच्छा, वो झरना ना, जो झरना यहाँ से एक झरना दिखाई दे रहा है, वाह दिखाई दे रहा है लोगों को। हाँ वो क्या गंगा है दादा? बाबा जिसका नाम पर आप लोग आते हैं। हाँ, तो आकाशी गंगा, आकाशी गंगा। अच्छा अच्छा, झरना जो देख रहे हैं। हाँ बाबा, ये तो बाबा का दोस्त। बाबा जी ये सब पत्थर का बारे में बता दीजिए ना आपको। और ये नदी से मिला हुआ है? ओ नदी से ना। हाँ, ये तो हाथी का पेड़ है, देखिए ये देखिए इसका नाखून से। हाँ, ये उल्लू है, उल्लू ना। हाँ, ये उल्लू है, ये गणेश बाबा है, ये माँ है। और ये देखिए अभी जो इधर में गाढ़ा खुदा हुआ है ना, उसके अंदर ये लिंग मिला है। पत्थरों को देखिए, का है हनुमान ये वाला और ये वाला हनुमान। देखो ना छोटा बच्चा, ये मक्खी है, मक्खी ये
मक्की ना, मक्की है वो पीछे साइड में भी उठाई है, दो उसका माथा है, ये दो तो पंख है, ये पिछड़ी का ये पूरा है। ये ना और यहाँ पे ये मंदिर ये बाबा का मंदिर ये पीछे साइड में भी ऐसा है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे ठंडा में सूखने के लिए है। ये भी वो ये कुंभ है, कुंभ मतलब पुराना जमाने में जो रुपया पैसा रखता है। ये बाबा दाई है, ये भी पत्थर है। देखो और नीचे से थोड़ा दिखते है ना, पानी है ना, चलिए तो बाबा आप, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम, मेरा शुभ नाम तो आप ही नागेश्वर गिरी है। नागेश्वर गिरी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं असम का रहने वाला हूँ। ऐसे तो मैं गोगोई जात का हूँ। गोगोई जात का ना, मैं अभी इसमें जो साधु की सम्मेलन है ना, उसमें जाके ज्वाइन किया है। मैं अखाड़ा का हो गया अभी। मेरा अखाड़ा का नाम है निरंजनी अखाड़ा। अच्छा अच्छा, पानी तो बारिश के कारण इतना ज्यादा हो गया ना। कितना साल हो गया आपका यहाँ में बेटा ला? 17 साल हो गया। 17 साल, अब ये जगह में? अब हम जब आया था ना, ये बहुत जंगल था, हम आने का बाकी है। तो यहाँ से आप कब निकलेगा? आप बैठते रहेगा यहाँ में? अभी तो हम यहाँ जैसे आया है, जब यहाँ से जाने के लिए क्या जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? मैं जहाँ था वहाँ से तो मेरे को उठा के लेके आया, जो यहाँ वाला पहले वाला बाबा थे उन्होंने लेके आए। मैं आने का बाद वो बोले, मेरा GoPro का मेमोरी कार्ड फुल हो गया, तो इसीलिए अभी फोन से यूज कर रहा हूँ। अब बहुत बड़ा है तो पानी, अब ये हैंगिंग ब्रिज बनेगा, ये गड्ढा खुलना है। अच्छा, और यहाँ में जाके स्नान करते हैं ना जब पानी छोटा हो? नहीं, विंटर में इसको क्रॉस कर सकते हैं ना आराम से? हाँ। अच्छा, तो पानी बड़ा होने के कारण हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जा सकेगा, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे, और पानी बारिश के कारण ही पूरा पानी देखिए पूरा माटी माटी हो गया। और आकाशी गंगा जी दादा और बाबा इस तरफ में ना, यहाँ पे था। हाँ, होगा होगा, जगह तो देख लिया ना। तो बाबा हम दोनों अभी यहाँ से वापस फिर से जाएगा, और बाबा अपना जगह जाएगा और हम लोग फिर से अपना जगह जाएगा, और साथ पास में एक बढ़िया सा छोटा सा वाटरफॉल, और ये यहाँ का देखिए ये जगह कुछ इस तरह है। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, और अभी थोड़ा बारिश भी आने लग गया है, तो अभी मुझे जल्दी वापस जाना है, क्योंकि बहुत लंबा चराई चढ़ना पड़ेगा अभी, और बारिश भी हल्का हल्का दे रहा है, बाद में बहुत ज़्यादा देखा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिलहाल अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग कहीं अरुणाचल के ही अंदर ये लोही डिस्ट्रिक्ट में भीष्मक नाम का एक मिशनी राजा था, सोडियम। उसका एक 3 लड़का और एक लड़की थी, लड़की छुट्टी थी,
तो वो बहुत खूबसूरत थी और देखने ये कामकाज के लिए में भी बहुत अच्छी थी। तो वो जब बड़ी हो गई तो उसके ब्याह की समय आ गई, तो उसी समय उनका ये ने भाया ने उनका अपना एक दोस्त को देख रहा रखा था उसके लिए मैंने रुक्मिणी के लिए, लेकिन रुक्मिणी उसके साथ जाने के लिए कृष्ण का सारा दूसरा के साथ जाने के लिए नहीं चाहती थी। तो उसका ये हुआ स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर में उसी समय सबको बुलाया गया, श्री कृष्ण भगवान को भी बुलाया गया था। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान को जब सिद्धि मिला, बहुत लेट से मिला, उसी समय आते आते अंतिम लास्ट दिन में जिस दिन स्वयंवर में लड़की जा करके किसी के गला में माला पहनाएगी उसी दिन आ करके वो ये गेट पहुँचा। तो रुक्मिणी भी ऐसे कर रही थी, तो वो सीआईडी रखी हुई थी, जैसे ही आकर के रुक्मिणी यहाँ पहुँचे ये कृष्ण यहाँ पहुँचेगा तो साथ ही साथ मेरे को खबर दे देना उनको। वो सीआईडी रख रही थी, तो जब आकर के पहुँचा तो रुक्मिणी को साथ ही साथ खबर मिल गया। तो मिल जाने के बाद वो आकर के श्री कृष्ण गला गला में माला पहना करके वहीं से वो दोनों चल पड़े। तो आकर के यहाँ लेखावली के सामने जैसे पहुँचने लगा तो उसी समय वहाँ ये खबर हो गया, बीच रास्ता में आते हुए वहाँ खबर हो गया स्वयंवर की जगह में जे रुक्मिणी को ये श्री कृष्ण आकर के लेके चला गया। तो उनका बड़ा भाई जो रुक्मो था उन्होंने पीछा किया, उनके रुक्मिणी का पीछा किया आते हुए ये अभी तो माँ मालिनी मंदिर है, उसी समय माँ मालिनी मंदिर नहीं था, पहले जंगल था, वहाँ आकर के उन लोग का दोनों का लड़ाई हुआ ये कृष्ण भगवान और उससे रुक्मो बीच से दोनों का लड़ाई हुआ, लड़ाई में वो हार गया। तो उनको मारने के लिए चाहता रहा लेकिन रुक्मिणी ने मना किया है, भैया को नहीं मारिएगा, मेरे को कलंक हो जाएगी। तो उसी समय कृष्ण भगवान ने उनको नहीं मारा लेकिन मुंडन करके भेज दिया, उसका चोर को फटा करके भेज दिया, काट करके भेज दिया, तो वापस चले गए। तो चला जाने के बाद इन लोग को यहाँ ठहरना पड़ा, तो क्योंकि उसी समय माँ मालिनी मंदिर में अभी तो नहीं है, अभी कहीं रह गया होगा, रोड का पाया टुकड़ा भी अच्छा भी थोड़ा ख़राब हो गया होगा और उसका बीच का जो हला था उसका भी एक टुक गिरा हुआ था। तो आकर के इधर में ठहरा यहाँ में नहीं नहीं मंदिर मालिनी मंदिर मालिनी मंदिर अभी देखिए मालिनी मंदिर तो बाद में हुआ, उसी समय वो अभी आधा आधा खन करके रखा हुआ है ना, तो पुराना वाला मंदिर पुराना वाला ये वो उसी दोनों ये में आकर के उन लोग ठहरा था। उसी पहले रात उन लोग उधर ही गुजरा था। तो उसी समय जब शाम हो गई, शाम हो जाने का आकर के वहाँ रुकना पड़ा, तो रुकना पड़ा, शाम हो गई, शाम हो गया, शाम हो जाने का बाद ये रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान से बोले जे स्वामी गुरुदेव अभी मेरे को जल चाहिए, जल कहाँ मिलेगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने शिव जी को ध्यान किया, शिव जी को ध्यान करने के बाद शिव जी जब आने निकाले तो माता पार्वती को मालूम हो गई, उन्होंने बोली मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो उन्होंने बोला वहाँ चलो दोनों आगे आकर के यहाँ आकर के लिखावली अभी लिखावली हुआ है। उसी समय उनको कृष्ण भगवान से भेद हुआ, भेद होने का बाद उन्होंने बोला और जो किसने बुलाया किस लिए बुलाए, तो उन्होंने बताया कि इसी बात में हुआ है आया इधर में तो लड़ाई हुआ तो जानती हैं, तो अभी यहाँ जल नहीं है, जल के लिए आपको बुलाया गया बुला। उसके बाद वो आकर के ऊपर में ये दिया तो एक तालाब की जैसा बुझे वहीं उसी जगह से माँ गंगा आ रही है, अभी पानी जो निकल के आ रहा है ना उसी तालाब से निकल के आ रहा है। उसमें एक लाइट लगाया गया था पुराना जमाने में, उसी समय वो दिन रात 24 घंटा जलता रहा, पुराना 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 लोग जानता होगा, हम लोग का बाबा लोग बोलता रहा, उसी समय वो लाइट दिन रात 24 घंटा जलता रहा।
तो ये अमेरिकन लोग जब यहाँ ढुका रहा ना, उसी समय अमेरिकन लोग आ करके उनको वो अम्बा को तुराया, और लोग तुराया लेकिन ले जाने नहीं सका, और जो टूट गया तो आकर के उसी में कुआ में डूब गया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये दिया उसमें गंगा बैठा है, हम लोग नहीं आकर के यहाँ नहाई, यहाँ पे ना यहाँ नहाई ऊपर में आकाशी गंगा ना, आकाशी गंगा यहाँ नहाई। नहाने के बाद यहाँ से जब वापस गई तो वो दिल में सोच रही थी, अभी तो मेरे को पूजा करने के लिए फूल चाहिए, मेरे को फूल कहाँ मिले, ढूंढी थी मेरे को फूल, मैं किससे मांगू। तो उसी समय माता पार्वती भी सोच रही थी, इनको तो इतना रात गई, इनको तो फूल चाहिए, अभी इनको फूल कौन देगा, कहाँ से इनको फूल मिले। तो अपना भेष अपना बदली किया, बदली करके मालिनी का भेष पकड़ा, मालिनी का भेष पकड़ने के बाद वो फूल ले आ करके उनको रुक्मिनी को हमें जे ये पुष्प लीजिए। तो उसी समय मालिनी नहीं जानती, ये रुक्मिनी नहीं जानती थी जे ये मालिनी है और ये रुक्मिनी माता पार्वती है, उनको मालूम नहीं थी, जैसे देखा हो तो मालिनी बोल के ही सोच रही थी। तो बाद में वो उसी समय इतना ये फूल मिल करके उनको तो बहुत खुश होकर के आशीर्वाद दी थी, जाओ तुमको बाद में मालिनी का नाम पर आदमी लोग पूजा करेगा। अभी देखिए एक रात में ये तीनों जगह एक रात के अंदर हुआ है, ये आकाशी गंगा हुआ, यहाँ से नहा करके रुक्मिनी गई, तो रुक्मिनी ने फूल के लिए जैसे ही सोच रही थी तो माँ मालिनी होकर के उन्होंने फूल दी, अरे वो फूल लेकर के ही रुक्मिनी तो पूजा की थी। तो एक रात के अंदर ये तीनों जो हुआ है, एक रात के अंदर हुआ है। तो पहले आकाशी गंगा हुआ है, उसके बाद माँ मालिनी मंदिर हुआ है, दूसरे बाद तीसरा समय ये हो गया रुक्मिनी मंदिर। तो इसी तरह कहानी है यहाँ का ना, यही पूरा कहानी है। और यहाँ में ज़्यादातर जनवरी महीना को बहुत लोग आते हैं और पूरा भीड़ लगता है यहाँ पे बोलो तो, और ऊपर से जनवरी महीना में ज़्यादातर पिकनिक का सीजन भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ में लोग देखने आते हैं। और जो लोग डिवोटिस है, हिंदू डिवोटिस है, वो लोग तो जरूर आते होते हैं उस समय में। तो अगर आप भी इस जगह को विजिट करना चाहेंगे तो बेस्ट टाइम टू विजिट मैं बोलूँगा जनवरी महीना को होगा, तो प्लीज़ डू विजिट हियर। और सच्ची में आकाशी गंगा उस तरह सुंदर दिख रहा है, काश ये अभी बारिश ना होता तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को दिखा पाता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेन पानी ज़्यादा हो गया, भरा हो गया, तो इसीलिए वहाँ जाने के लिए थोड़ा दिक्कत है। ऊपर जाते वक्त पछताएगा आप लोग, क्योंकि बहुत नीचे नामना पड़ता है, और ऐसे आप ही देखो ऐसे आप। और यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं है, मेरे पास जियो और एयरटेल है, दोनों ही यहाँ पे मेरा नहीं है, तो इसी तो बस गाइस मैं यहाँ पे आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, हैव ए गुड डे, बाय।